हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज है वो है जॉब के रिगार्डिंग। तो राज्य के वे बेरोजगार अभ्यर्थी जिनको इस वक्त जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। तो दोस्तों, सेवायोजन कार्यालय देहरादून द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न कंपनियों व सेक्टरों में कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो अगर किसी को भी इस वक्त जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे बेरोजगार अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको आवेदन, ये भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक बार हम पूरी विज्ञप्ति को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि किस कंपनी या सेक्टर में ये भर्तियाँ निकली हैं। तो ये रही विज्ञप्ति आपके स्क्रीन पर। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। नियोजक कंपनियों का विवरण निम्न प्रकार है। तो दोस्तों, ये देख लेते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं और कितने पद इनमें निकले हैं और क्या है आयु सीमा और क्या मांगी है इसके लिए शैक्षिक योग्यता और कितना है इसका वेतन यानी कि जो सैलरी है और कौन अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंपनी है वो है आपकी रॉयल सनड्रम जनरल इंश्योरेंस की, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। और इसके लिए जो पद है वो है आपका पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, यानी कि यहाँ पे सेल्समैन के लिए भर्ती निकली हुई है। और इसमें जो पद हैं वो है टोटल 21 और इसके लिए जो आयु मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 42 के बीच, ठीक है। और इसके लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 12 पास, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास 12 पास की डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए जो वेतन आपको मिलेगा वो मिलेगा 12,000 से 22,000 के बीच। और इसके लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है आपकी रायबर्ग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की, ठीक है। और इसमें जो पद निकले हैं वो निकले हैं टेक्निकल असिस्टेंट के और मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोडक्शन के और मैनेजमेंट असिस्टेंट परचेज के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के। तो टेक्निकल असिस्टेंट के यहाँ पे दो पद निकले हैं जिसके लिए आयु होगी 25 से 30 वर्ष मांगी गई है। और इसके लिए जो मिनिमम शैक्षिक योग्यता है वो है 8th पास और जो वेतन आपको मिलेगा वो मिलेगा 9,000 से 10,500 के बीच, ठीक है। इसके लिए केवल मेल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसी में जो दूसरा पद है वो है आपका मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोडक्शन का। इसके लिए एक पद है और इसके लिए जो मैक्सिमम आयु मांगी गई है वो मांगी गई है 30 वर्ष। और इसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीएससी एंड बी फार्मा की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपको वेतन मिलेगा वो मिलेगा 10,000 से 11,500 के बीच। और इसके लिए भी केवल मेल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। और इसी में अगला जो पद है वो है मैनेजमेंट असिस्टेंट परचेज का। इसके लिए भी एक पद है यहाँ पे और मैक्सिमम 30 वर्ष इसके लिए मांगी गई है आयु। और आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। और इसके लिए जो आपको वेतन मिलेगा यानी कि जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,000 से 11,500 के बीच। और इस पद के लिए मेल और फीमेल अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो कंपनी है वो है एविनेटर परफॉर्मेंस मटेरियल्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसके लिए जो पद है वो निकला है ऑफिस प्रोडक्शन का। इसके लिए दो पद हैं और जो आयु है वो है 25 से 30 वर्ष। और इसके लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए या तो बीटेक होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, ठीक है। एमएससी आपके पास होनी चाहिए बायोटेक विथ 3 और 7 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 18,000 से 30,000 के बीच। और इसके लिए भी मेल और फीमेल अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। और इसी में दूसरा जो पद है वो है असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी का। और इसमें एक पद है यहाँ पे और इसके लिए जो आयु मांगी गई है वो मांगी गई है 28 से 35 वर्ष। और इसके लिए भी जो शैक्षिक योग्यता है वो सेम है बीटेक या एमएससी इन बायोटेक में और 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और जो सैलरी है यहाँ पे वो होगी आपकी 30,000 से 55,000 के बीच, ठीक है। और आपकी और इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं वो मेल और फीमेल अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। और अगली कंपनी जो है दोस्तों वो है आपकी अमेज़ॉन
ऑटोमेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो पद निकले हैं वो है इलेक्ट्रिशियन के, यहाँ पे दो पद निकले हैं और इसके लिए जो आयु मांगी गई है वो 18 से 28 वर्ष के बीच और ITI आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही इसके लिए जो वेतन आपको मिलेगा वो मिलेगा 6000 से 12000 के बीच, ठीक है। तो ये वेतन आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसी में है डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसके लिए दो पद यहाँ पे हैं और इसमें 18 से 28 वर्ष की आयु मांगी गई है और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए IT में और ECE का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए जो सैलरी है वो भी सेम है 6000 से 12000 और सैलरी जो होगी वो एक्सपीरियंस बेस होगी और दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल अभ्यर्थी। उसके बाद इसमें एक और पद है जो है आपका रिसेप्शनिस्ट का, ठीक है। इसमें एक पद यहाँ पे है और 18 से 28 वर्ष की आयु मांगी गई है और आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए इसके लिए वो होनी चाहिए 12 पास विथ कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास 12 पास की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। और साथ ही इसके लिए जो सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 6000 से 12000 के बीच, ये भी एक्सपीरियंस पे बेस होगी और मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी है वो है आपकी SIS इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके लिए जो पद हैं वो हैं आपके सिक्योरिटी गार्ड के, कुल यहाँ पे पद हैं आपके 150 पद और इसके लिए जो आयु मांगी गई है वो मांगी गई है 21 से 37 वर्ष के बीच और इसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो 10 पास या फेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, या आप 10 पास हैं या 10 फेल हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 12000 से 15000 के बीच और इसके लिए केवल मेल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। और जो मेल अभ्यर्थी है उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और जो उनका वेट होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे 56 kg का, ठीक है। बाकी इसमें क्या कहा गया वो भी हम पढ़ लेते हैं। उक्त रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी दिनांक 18 से 25/8/2020 तक निम्न IQ कोड को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों का दिनांक 25/8/2020 के बाद कंपनियों के प्रतिनिधि द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को दूरभाष से सूचित किया जाएगा, लिंक भी पृथक से प्रेषित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो ये QR कोड आपको दिया हुआ है इसको स्कैन करना है। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो इसकी एक जो साइड है वो खुल जाएगी, तो उस साइट पे जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, उस आवेदन फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप भर पाएंगे 18 अगस्त से 25 अगस्त तक और उसके बाद दोस्तों 25 अगस्त के बाद कंपनियों के द्वारा आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, इसके लिए आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। जो आप नंबर अपने फॉर्म में डालेंगे या जो ईमेल आईडी डालेंगे उसके माध्यम से आपको ये सूचित किया जाएगा कि आपका साक्षात्कार कैसे लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून द्वारा आयोजित ऑनलाइन जॉब फेयर में प्रतिभाग पूर्णतः निःशुल्क है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस या ऑनलाइन आवेदन फीस कुछ भी नहीं देना है आपको। केवल यहाँ पे आपको ये QR कोड को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद एक आवेदन फॉर्म आपके सामने खुलेगा, उसको आपको पूर्णतः भर के सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको 25 अगस्त के बाद आपको दूरभाष या फ़ोन करके आपको सूचित किया जाएगा या आपको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो नंबर है वो सही प्रकार से उसमें डालिएगा जो चल रहा हो और ईमेल आईडी भी ऐसी डालिएगा जो चल रही हो, जिससे आपको मैसेज आ सके या आपके पास कॉल आ सके, ठीक है, आपके साक्षात्कार के लिए। तो दोस्तों कैसे ये फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा और ये QR कोड आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये पूरा जो विज्ञप्ति है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये QR कोड भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही थी न्यूज आज की और ऐसे ही उत्तराखंड से संबंधित जॉब से या उत्तराखंड से संबंधित किसी भी न्यूज़ से आप लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।